हमको कल मकान तोड़ा गया, हमको थाने ले गए, हमारी घरवाली को मारा, कपड़ा उतार के और मकान तोड़ दिया गया। लेडीज पुलिस भी बुलाई गई और मारा भी है, और हमको भी दो लात जूते मारे। किन लोगों ने मारा है क्या? हमको SDM साहब ने दो जूता मारे अंदर लुबा जा करके, अकेले मकान तोड़ा। बोले क्यों सरकारी जगह में बनाए? मामला ये हुआ है कि गरीब लोगों का प्रशासन, SDM, तहसीलदार और पटवारी, RI बिना कोई कार्रवाई, बिना सूचना के, बिना नोटिस दिए आके बुलडोजर लगा दिए। क्या कारण है, कौन करवा रहा है, किसका हाथ इसके पीछे? अब ये हाथ नहीं बता सकते सर का किसका है, लेकिन किसी ना किसी का तो होगा, लेकिन जब तक पुख्ता कोई क्लियर ना हो, जब तक किसी का नाम नहीं ले सकता कोई। अब किस तरह से परेशान हो रहे हैं गांव के लोग, क्या समस्या? अब परेशानी जाए ये कि आए दिन उनकी संगत कहूँ धमकी दी जाती, कहूँ जो करो रात के तमाम मकान तोड़ दे भी जो, और एक दो मकान हर 8-10 दिन में तोड़ दे। कौन तोड़ रहा है या कौन करवा रहा है, किस लिए तोड़ रहा है? SDM और तहसीलदार करते हैं। आप सरपंच है वहाँ गांव की, आपको क्या जानकारी नहीं है कौन करवा रहा है? नहीं, हमको जब जानकारी मिलती नहीं, मतलब यही जानकारी तो मिले कि जब इन्हें सूचित तो हो कि 8 घंटा तक को समय भी नहीं दो कि सामान उठा लो जाए। सर मैं तो यहाँ पे थानी में बाप प्रदेश जाता हूँ, तो वहाँ से मेरे को माँ बाप तो घर पे रहते थे, तो माँ बाप ने बोला कि आपकी चारदीवारी तोड़ दी गई है, तो मैं वहाँ से आया तो यहाँ पे चारदीवारी टूटी पड़ी थी 2 महीने पहले, और कल की डेट में, कल था मैं वहीं पे गांव में, तो कल साहू जी का मकान था, 2 साहू जी का और हरवार समाज के थे, तो 4 मकान सर कल भी तोड़ दिए। क्यों तोड़ रहे हैं सर? ना तो DM साहब थे और SDM साहब थे और कलेक्टर साहब, ये जनपद सदस्य, ये क्या नाम है, अरे तहसीलदार और पटवारी। क्यों तोड़ रहे हैं सर? कोई पता नहीं लगा है, आके सीधी ही बुलडोजर लगा दी और तोड़ने लगी। पंचायत गढ़ा द्वारा इस आशय का एक आवेदन दिया गया है कि ग्राम पंचायत गढ़ा स्थित खस्सा नंबर 664/2/1 कुल रकबा 82 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर को इन्होंने आबादी घोषित करने के लिए अभी एक प्रस्ताव पारित किया है, और आबादी भूमि में बने मकानों को, 2 व्यक्तियों के मकानों को तोड़ा गया है। उस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है कि इस तरह की कार्यवाही ना की जाए और आबादी घोषित करके उसमें उन्होंने पात्र व्यक्ति को, बिना कोई सूचना, बिना कोई नोटिस के मकान तोड़े गए हैं, इसकी जाँच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री का आदेश है कि गरीबों को मकान, जहां जो कागज है उसको मकान दिए जाएंगे, उसके बावजूद भी प्रशासन तोड़ रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी। इनका आवेदन आज प्राप्त हुआ है ज्ञापन, इसमें उल्लेखित तथ्यों की जांच कराई जाएगी। सामान हटाने तक का समय नहीं दिया गया था, ताले लगे न तोड़ो सर। ये भी बताया गया महिलाओं को निर्वस्त करके पीटा गया है, साड़ियाँ उतार दी महिलाओं को, इसकी जाँच कराई जाएगी। जाँच में जो तथ्य सामने आएंगे नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।